सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग SRT ट्रेल वाला जो एरर आ रहा है आपके लैपटॉप या PC में, उसको फिक्स करेंगे। तो अगर ये एरर आपके लैपटॉप में आ रहा है, तो आपको या तो ये स्क्रीन दिख रहा होगा स्टार्टअप रिपेयर वाला, तो अगर ये स्क्रीन दिख रहा है तो आपको यहाँ पे एडवांस ऑप्शन पे क्लिक करना है, और नहीं तो आपको ये रिकवरी वाला स्क्रीन दिख रहा होगा तो इसमें भी आपको यहाँ पे सी एडवांस रिपेयर ऑप्शन जो दे रहा है यहाँ पे क्लिक करना है। तो आप आ जाओगे इस स्क्रीन पे, यहाँ पे आपको ट्रबल शूट पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे एडवांस ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आप इस एडवांस ऑप्शन में, इतने सारे जो एडवांस ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे आ जाओगे। अब यहाँ पे आपको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है, और सबसे पहले हम लोग ये फाइंड करेंगे कि आपके सिस्टम में विंडोज़ किस ड्राइव में इंस्टॉल है। उसके लिए कमांड यहाँ पे लिखेंगे BCD एडिट और इंटर करेंगे। अब इंटर करने के बाद आप इसको सबसे नीचे आ जाओ और नीचे से देखना शुरू करो। आपको ये फाइंड करना है OS डिवाइस पार्टीशन इक्वल टू जो C:: लिखा हुआ है। तो मेरा विंडोज़ C में इंस्टॉल है, इसलिए इस यहाँ पे C:: दिया हुआ है। आपके में यहाँ पे D या E भी हो सकता है, जिस भी ड्राइव में आपका विंडोज़ इंस्टॉल होगा। तो इसको आप लोग देख लो, और उसके बाद से नेक्स्ट कमांड हम लोग डालेंगे तो उसमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो नेक्स्ट कमांड हम डालते हैं CHKDSK स्पेस C:: स्पेस /R। अगर आपका विंडोज़ D या E में इंस्टॉल है तो यहाँ पे आप C की जगह इस कमांड में D और E जो भी होगा वो डालोगे आप, और इंटर करेंगे हम लोग। जब ये प्रोसेस पूरा हो जाएगा तो आपको इसे कट कर देना है, और फिर आपको ट्रबल शूट में आना है, और फिर एडवांस ऑप्शन में जाना है, और इस बार आपको स्टार्टअप सेटिंग जो दे रहा है इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पर रीस्टार्ट पे क्लिक करना है। जब सिस्टम रीस्टार्ट होगा तो आपको आपके सामने इतना सारा ऑप्शन होगा, तो इसमें से आपको 5 प्रेस करना है। सेफ मोड विथ नेटवर्किंग हम लोग को ओपन करना है। तो ये सेफ मोड में हमारा खुल गया है विंडोज़। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे CMD टाइप करेंगे और इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डालते हैं यहाँ पे DISM स्पेस /online स्पेस /cleanup image स्पेस /check health। इसके बाद सेकंड कमांड हम लोग डालेंगे, सेम टू सेम रहेगा, लास्ट में बस स्कैन हेल्थ रहेगा। स्लैश के बाद जो यहाँ पे चेक हेल्थ है उसमें स्लैश के बाद स्कैन हेल्थ रहेगा। और इसके बाद थर्ड कमांड डालेंगे, कमांड सेम है, बस लास्ट में स्लैश के बाद रिस्टोर हेल्थ रहेगा। ओके दोस्तों, इन तीनों कमांड के कंप्लीट होने के बाद आपको एक नया कमांड डालना है, SFC स्पेस /scan now। तो मैंने CMD को कट करके फिर से ओपन किया है, कुछ दिक्कत आ गई थी, लेकिन आपको वहीं पे डालना है, आपको फिर से कट करके ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। ओके दोस्तों, तो ये जब प्रोसेस आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो आपको इसे कट कर देना है CMD को, और यहाँ से अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे और रीस्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो यहाँ से आगे अब हम लोग बात करेंगे कि जिन लोगों की प्रॉब्लम अभी भी ठीक नहीं है वो क्या करेंगे। तो आपको फिर से ट्रबल शूट पे क्लिक करना है, एडवांस ऑप्शन में जाना है, और फिर से आपको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है। आपको डालना है bootrec /fixmbr। फिर नेक्स्ट कमांड हम लोग डालेंगे bootrec /fixboot। तो ज़्यादातर केस में यहाँ पे आपको एक्सेस डिनाइड जो दे रहा है ये लोगों को रिसीव होगा रिजल्ट में, ये सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं होगा। जिनका हो जाता है अच्छी बात है, तो अगर नहीं होता है एक्सेस डिनाइड आ रहा है तो हम लोग डालेंगे bootsect /NT60 sys और इंटर करेंगे। और इसके बाद फिर से ये वाला कमांड डालेंगे फिक्स बूट वाला, जिसमें एक्सेस डिनाइड आया था, तो अब एक्सेस डिनाइड नहीं आएगा, तो उसको डालते हैं, इंटर करेंगे। तो अब देख रहे हो कि इस बार एक्सेस डिनाइड नहीं आया है, द ऑपरेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली लिख रहा है। अब नेक्स्ट हम लोग दोनों लोग, जिसका एक्सेस डिनाइड आया था उनको भी और जिनका नहीं आया था उनको भी, अब आपको एक लास्ट कमांड डालना है bootrec /rebuild bcd। तो ये आप देख रहे हो कि द ऑपरेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली दे रहा है, आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जानी चाहिए। यहाँ पे आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो आपका सिस्टम रिस्टार्ट होगा और आपकी प्रॉब्लम ठीक हुई होगी। फिर भी अगर आपकी प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई है तब दो चीज़ आप और कर सकते हो। आप ट्रबल शूट में जाओ, एडवांस ऑप्शन में जाओ, और एक आप यहाँ पे सिस्टम रिस्टोर कर सकते हो। सिस्टम रिस्टोर पे आप क्लिक करोगे, अगर यहाँ पे आप नेक्स्ट करोगे तो अगर आपके में सिस्टम रिस्टोर पहले से इनेबल होगा तो यहाँ पे रिस्टोर पॉइंट्स कई सारे दिखाई देंगे। जैसे अभी मेरे में एक ही दिखाई दे रहा है, तो आपके में कई सारे दिखाई देंगे। जैसे मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, इस पर डेट दिया हुआ है, आपको उतना पहले का मतलब वो रिस्टोर पॉइंट सेलेक्ट करना है जहाँ पर आपका लैपटॉप अच्छा चल रहा था। ये करेगा कि आपको जब आप नेक्स्ट करोगे आपके लैपटॉप को उतना दिन पीछे कर देगा, मतलब कि ये प्रॉब्लम जो बीच में आ गई है ये हट जाएगी और आपका लैपटॉप फिर से अच्छा चलने लगेगा। तो ये काम होता है रिस्टोर पॉइंट का। तो ज़रूरी नहीं है कि ये आपको यहाँ पे रिस्टोर पॉइंट दिखाई दे, ये तब होता है जब आपका रिस्टोर पॉइंट पहले से इनेबल होता है, जो कि बहुत अच्छा फीचर है विंडोज़ का। अगर रिस्टोर पॉइंट है तो यहाँ से नेक्स्ट करेंगे हम लोग,
और अब जैसे ही मैं फिनिश करूँगा तो रिस्टोरेशन का काम शुरू हो जाएगा और आपका सिस्टम रिस्टोर हो जाएगा और आपका प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। ये तो बात हुई उन लोगों के लिए जिनके में रिस्टोर पॉइंट्स अवेलेबल हैं। अब जिनका रिस्टोर पॉइंट अवेलेबल नहीं है वो क्या करेंगे, उनको क्या करना है कि फिर से ट्रबल शूट में आप जाओ और रीसेट दिस पीसी पे क्लिक करो आप, और कीप माई फाइल्स पे क्लिक करो, और यहाँ पे लोकल री इंस्टॉल पर आपको क्लिक करना है। ऑप्शन है, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरा पीसी रीसेट हो जाएगा। रीसेट का मतलब कि कम्प्लीटली नया पीसी जैसा आपने लिया था वैसा हो जाएगा, जितने भी सॉफ्टवेयर वगैरह हैं सारी चीज़ें डिलीट हो जाएंगी। रीस्टोर में मैंने आपको क्या बताया कि जितना दिन पहले आप जाते हो, जितना दिन पहले का रीस्टोर पॉइंट सेलेक्ट करते हो, सिर्फ उसी बीच में जो चेंजेज हुए रहते हैं, जो भी सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल किए रहते हो, वो चीज़ें डिलीट होती हैं। पर्सनल फाइल आपका डिलीट नहीं होता है, पर्सनल फाइल आपका इसमें भी डिलीट नहीं होता है रीसेट करने पर भी, लेकिन सॉफ्टवेयर वगैरह सारे डिलीट हो जाएंगे, आपका पीसी जैसा नया था वैसा हो जाएगा। दोनों में बस यही अंतर है रीसेट और रीस्टोर में। तो जैसे ही आप रीसेट पे क्लिक करोगे आपका सिस्टम रीसेट का प्रोसेस शुरू होगा और थोड़ी देर में 15-20 मिनट आधे घंटे में आपका सिस्टम रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा।